हेलो फ्रेंड्स, अनुकुर शुक्ला, यू वाचिंग विज्ञान केमिस्ट्री का। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट की, जो कि फिजिक्स का एक चैप्टर है। ये चैप्टर एंड एग्जामिनेशन में एक भूमिका निभाता है, बहुत बड़ी भूमिका नहीं, लेकिन हाँ, हर बार इससे कम से कम दो क्वेश्चन एंड एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो अगर आज का आप ये लेक्चर मेरा पूरा देख लेंगे तो मुझे नहीं लगता कि इससे आने वाले दो जो क्वेश्चन है वो आपके गलत होंगे, ठीक है। तो प्लीज वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक देखेगा और जो जो मैं समझाऊँ उन सभी पॉइंट को अच्छे से नोट करते हुए चलेगा। ये सारे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में बहुत हेल्प करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो में, क्या इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है, आइए चलिए जानते हैं। प्यारे से स्माइल कर दीजिए, उसके बाद वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो चैप्टर का हमारा नाम है मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या नाम है? मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब चैप्टर के नाम में ही क्या है, मोशन, मतलब इस पूरे चैप्टर में हमको चलना है, फिरना है। चलना फिरना का मतलब ये है कि मोशन के ही अंतर्गत हमें सारी चीजें पढ़नी है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि मोशन क्या होता है। अगर हम मोशन को समझें, मोशन को शॉर्ट डिफरेंस में अगर हम समझें, तो मोशन हमारा होता है चेंज इन पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब टाइम के साथ साथ अगर किसी ऑब्जेक्ट की जो पोजिशन है वो क्या हो जाए, चेंज हो जाए। जैसे मैं ही हूँ, मैं ऑब्जेक्ट, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट हूँ मैं, अभी कुछ समय हो रहा है, मान लीजिए कोई 4:05 कुछ है, मैं भी यहाँ पे खड़ा हूँ, थोड़ी देर बाद मैं चल के यहाँ पे आ गया, कुछ समय के साथ साथ मैंने अपनी पोजीशन चेंज की, तो इसका मतलब क्या है, ये हुआ मोशन, मतलब मैं मोशन में हूँ। तो आई होप आपको मोशन समझ में आया होगा। अब इस चैप्टर में हम आगे क्या पढ़ेंगे, आगे हम जानेंगे इस चैप्टर में धीरे धीरे। सबसे पहले जो चैप्टर में जानेंगे वो हमारा डिस्टेंस, और दूसरा पॉइंट है हमारा डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, चलिए जानते हैं। अगर हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को भी एक शॉर्ट डेफिनेशन में समझें, तो डिस्टेंस हमारा होता है टोटल ट्रेवल्ड लेंथ, मतलब टोटल जो पाथ है, लेंथ है, किसी भी ऑब्जेक्ट द्वारा जो टोटल पाथ कवर किया जाता है, ट्रेवल किया जाता है, वही क्या हो जाता है, डिस्टेंस हो जाती है। मान लीजिए मैं यहाँ से लेके यहाँ तक, मान लीजिए करबी, मतलब कोई भी जगह का नाम है, कोई भी आगरा ही जाना है, तो आगरा जाने के लिए मान लीजिए मैं अपने घर से निकला, तो यहाँ से लेके आगरा तक जितनी मैंने दूरी कवर की, टोटल जो डिस्टेंस, टोटल जो पाथ मैंने कवर किया, वो हमारा क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है। और जबकि डिस्प्लेसमेंट के केस में क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट के केस में थोड़ा सा अलग होता है। इसके केस में क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट को अगर बोले तो डिस्प्लेसमेंट होता है द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट, मतलब इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो, मतलब जो डिस्टेंस होती है उसे बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। जैसे कि मान लीजिए मैं हूँ, मैं यहाँ से चला, यहाँ गया, उसके बाद यहाँ जाके रुक गया, तो हम पूछेंगे भैया कितने डिस्टेंस कवर किए, तो हम क्या बोलेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक जोड़ के बता देंगे इतने डिस्टेंस। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट पूछे तो डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या होगा, इनिशियल पॉइंट टू फाइनल, ये फाइनल है इनिशियल, इसके बीच की जो दूरी होगी वो हमारा क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट समझ में आया होगा। अब कुछ डिफरेंसेस है इसमें, उसको भी जान लेते हैं। डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस की जो हमारी SI यूनिट होती है वो हमारी क्या होती है, मीटर। इसकी भी SI यूनिट क्या होती है, मीटर ही होती है। अगला पॉइंट इस पे जो डिस्टेंस हमारा होता है ये हमारा स्केलर क्वांटिटी होता है, जबकि डिस्प्लेसमेंट हमारा वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। अगला पॉइंट इसके जो डिस्टेंस हमारा है वो कभी भी डिक्रीज नहीं हो सकता, कैन नेवर बी डिक्रीज। जबकि डिस्प्लेसमेंट कैन बी डिक्रीज, ठीक है। अगला पॉइंट है ये निगेटिव भी नहीं हो सकता, कैन नेवर बी निगेटिव। डिस्प्लेसमेंट के कैसे भैया, कुछ भी हो सकता है, कैन बी निगेटिव, ठीक है। तो इन पॉइंटों से आई होप आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप थोड़ा और आगे चलते हैं, इसमें हमें और क्या क्या पढ़ना है। अब हम जानेंगे स्पीड के बारे में, स्पीड के बाद हम वेलोसिटी के बारे में जानेंगे, और धीरे धीरे करते करते हम और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो अगर हम इस अब आगे बात करें तो अब आगे इसमें जानेंगे स्पीड के बारे में। स्पीड क्या होती है, स्पीड को अगर हम लिख के समझें तो लिख सकते हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय मूविंग बॉडी
पर यूनिट टाइम, ठीक है। मतलब टाइम के साथ साथ जो डिस्टेंस ट्रेवल किया जाता है किसी मूविंग बॉडी मतलब चलती हुई बॉडी के द्वारा, वही क्या हो जाता है, स्पीड हो जाता है, ठीक है। अब स्पीड की एसआई यूनिट की बात करें, एसआई यूनिट इसकी क्या होती है, तो इसके एसआई यूनिट होते हैं मीटर पर सेकंड, ठीक है। ये सारे पॉइंट नोट करते चलेगा। और जो हमारे इसकी स्पीड होता है वो क्या होता है, इट इज स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। तो ये रहा हमारा स्पीड, स्पीड क्या था, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय मूविंग बॉडी पर यूनिट टाइम, इसकी एसआई यूनिट मीटर पर सेकंड, और ये हमारा क्या है, स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। अब हम बात करते हैं वेलोसिटी की, अब किसकी बात करते हैं, वेलोसिटी की बात करते हैं। वेलोसिटी हमारा क्या होता है, वेलोसिटी को अगर हम एक डेफिनेशन से समझें तो लिख सकते हैं वेलोसिटी में द रेट ऑफ चेंज ऑफ displacement, the rate of change of displacement with respect to time, the rate of change of displacement, the rate of change in displacement with respect to time, मतलब time के साथ साथ जो हमारा displacement पर चेंज होता है उसी रेट को हम क्या बोलते हैं, वेलोसिटी बोलते हैं, ठीक है। वेलोसिटी की एसआई यूनिट क्या होती है, इसकी भी एसआई यूनिट हमारी क्या होती है, मीटर पर सेकंड। ये हमारा क्या होता है, वेलोसिटी हमारा वेक्टर क्वांटिटी होता है, ठीक है। और क्या इसमें है, ठीक है, बस इतना ही। और आगे चलते हैं, स्पीड हमारा हो गया, वेलोसिटी हमारा हो गया, अब हम जानेंगे एक्सीलरेशन के बारे में, ठीक है। स्पीड हो गया, वेलोसिटी हो गया, एक्सीलरेशन क्या होता है, एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन को अगर हम लिखें तो एक्सीलरेशन लिख सकते हैं द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम लिखे, या तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम लिख सकते, कुछ भी लिख सकते हैं, पर यूनिट टाइम इज नोन एज एक्सेलरेशन, ठीक है। सेम वेलोसिटी केस में क्या हो रहा था, रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट हो रहा था, यहाँ पे क्या, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी हो गया, ठीक है। एक्सेलरेशन की एसआई यूनिट की बात करें, एसआई यूनिट इसकी अगर देखें तो इसकी एसआई यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और हमारा एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन हमारा इट इज वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। और एक्सेलरेशन का अगर फॉर्मूला देखें तो एक्सेलरेशन का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, v माइनस यू अपॉन टी। अब ये v क्या है, u क्या है, ये t क्या है, इसको भी समझ लीजिए। v और u हमारा क्या है, दोनों वेलोसिटी हैं, v और u हमारा क्या है, दोनों वेलोसिटी है। v को हम बोलते हैं फाइनल वेलोसिटी, u हमारी होती है इनिशियल वेलोसिटी, टी पता ही है सबको, टी मीन्स टाइम, टी मीन्स शाइनिंग, ठीक है। तो एक्सेलरेशन भी आपको क्लियर हुआ, अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, इसमें स्पीड हो गया, टाइम हो गया, वेलोसिटी हो गया, एक्सेलरेशन हो गया। अब इस चैप्टर में हाँ सबसे इंपॉर्टेंट जिससे क्वेश्चन मेनली आते हैं वो है हमारा क्या, ग्राफ रिप्रेजेंटेशन। हमारा जो एनडीए में क्वेश्चन आता है, आप प्रीवियस ईयर के पेपर उठा के देखिएगा, आपके क्वेश्चन अगर आप ये सब को पढ़ लेंगे तो प्रीवियस ईयर के पेपर में जितने भी चैप्टर से क्वेश्चन आए आपके सारे क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। और इससे हर बार एक से दो क्वेश्चन इसी में से पूछा जा रहा है, ग्राफ रिप्रेजेंटेशन से। कैसे, आपको बताता हूँ, एक एक पॉइंट ध्यान से सुनते जाएगा और कॉपी पेन में नोट भी करते चलेगा। सबसे पहला हमारा जो ग्राफ रिप्रेजेंटेशन है वो है हमारा टाइम डिस्प्लेसमेंट का। किसका है, टाइम डिस्प्लेसमेंट का। अब टाइम डिस्प्लेसमेंट में हमारे चार प्रकार के ग्राफ बनते हैं, कौन कौन से, एक एक ग्राफ को ध्यान से समझते चलेगा और नोट भी करते चलेगा, ठीक है। जो हमारा पहला है वो हमारा क्या है, स्लोप ऑफ टाइम डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। जो हमारा स्लोप ऑफ टाइम डिस्प्लेसमेंट ग्राफ क्या देता है, क्वेश्चन ऐसे आता है, स्लोप ऑफ टाइम डिस्प्लेसमेंट ग्राफ क्या देता है, ऐसे करके क्वेश्चन पूछ लेगा तो वहां ऑप्शन दे देगा, तो वहां आपको टिक मारना पड़ेगा। तो यहाँ लिखा है स्लोप ऑफ टाइम डिस्प्लेसमेंट ग्राफ हमें क्या देता है, वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट सुनते जाइएगा, स्लोप ऑफ टाइम डिस्प्लेसमेंट ग्राफ क्या देता है, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। उसके बाद दूसरा पॉइंट है, कोई ए लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस
अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो वो हमें क्या देगा, तो हमें बताएगा बॉडी हमारी क्या है, बॉडी इन अ रेस्ट, मतलब बॉडी हमारी क्या है, रेस्ट पे, मूव नहीं कर रही, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। अगला तीसरा इसमें क्या है, ए स्ट्रेट लाइन एंड मेकिंग सर्टेन एंगल विद एक्स एक्सिस, कोई स्ट्रेट लाइन है और एक्स एक्सिस के साथ कुछ एंगल बना रही है, वो हमें क्या शो करती है, वो शो करती है यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बनेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा दे देगा, पूछ लेगा क्या शो करता है, ऑप्शन दे देगा, वहां पे कहीं ना कहीं आपका ये भी आंसर छिपा रहेगा, ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा। अगला पॉइंट है एक कर्व शो, कोई कर्व वहां बना है वो क्या शो कर रहा है, तो हमारा क्या शो कर रहा है, वेरिएबल वेलोसिटी शो कर रहा है, ठीक है। अब अगला हमारा ग्राफ किसका है, टाइम वेलोसिटी ग्राफ है, टाइम वेलोसिटी ग्राफ में भी जान लेते हैं, टाइम वेलोसिटी ग्राफ में जो पहला है हमारा वो है हमारा स्लोप ऑफ टाइम वेलोसिटी ग्राफ शोज, टाइम वेलोसिटी ग्राफ स्लोप ऑफ टाइम वेलोसिटी ग्राफ शोज क्या शो करता है, एक्सीलरेशन ऑफ बॉडी, क्या शो करता है, एक्सीलरेशन ऑफ बॉडी, ये क्वेश्चन आ चुका है आपके प्रीवियस ईयर पेपर में, देख लीजिएगा। अगला हमारा एरिया इंक्लोज्ड अंडर टाइम वेलोसिटी ग्राफ गिव्स, एरिया इंक्लोज्ड, फिर से सुनिए, एरिया इंक्लोज्ड अंडर टाइम वेलोसिटी ग्राफ गिव्स क्या देता है, डिस्टेंस कवर्ड बाई बॉडी, ठीक है। अगला है ए लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस टेल्स बॉडी इज, कोई लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो हमें क्या बताता है, टेल्स बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, मतलब बॉडी हमारी यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ क्या कर रही है, मूव कर रही है। अगला हमारा टाइम एक्सीलरेशन गैप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हर दो साल में ये जरूर रिपीट कर देता है यूपीएससी, इसको जरूर देख लीजिएगा। एरिया इंक्लोज्ड अंडर टाइम एक्सेलरेशन ग्राफ क्या देता है, गिव्स वेलोसिटी ऑफ बॉडी, क्या देता है, गिव्स वेलोसिटी ऑफ बॉडी, ठीक है। छोटे छोटे पॉइंट है, ऐसा लगता है यार ये सब तो आ जाएगा, लेकिन वहां जब एग्जाम हॉल पे बैठो तो वहां पे थोड़ा कंफ्यूजन के कारण नहीं आता, तो ये सारे पॉइंट एकदम ध्यान से लिख लीजिएगा, समझ लीजिएगा और इसको रिपीट करते जाएगा, जिससे आपको एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट में हमें जो जो भी पॉइंट पढ़ना था, आई होप हमने सब पढ़ लिया है, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, अगर आपको आज की वीडियो मेरी पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन का बटन जरूर दबा दीजिएगा, और ठीक है, और तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, अगली वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।